कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? होंगे ही, घर पे हैं, फैमिली के साथ में हैं। और वीकेंड, वीकडेज, ये चीज़ें तो अभी कुछ मायने नहीं रख रही, क्योंकि हम सब घर से काम कर रहे हैं। और जो लोग काम पे जाते हैं वो डेफिनेटली वीकेंड की राह देखते हैं। तो फ्राइडे आप सभी के लिए आपकी चुलबुली दोस्त अश्विनी एक स्टोरी लेके हाजिर हो जाती है। आज की स्टोरी बेस्ड है सास और बहू पे। लिली की शादी हुई। शादी के बाद अपने ससुराल पहुंची। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर उसके बाद में सास बहू की छोटी छोटी नोकझोंक शुरू रही। अब ट्रेडिशन के अनुसार लिली को अपनी सास का हर एक आदेश मानना जरूरी था, पर ये मन के मन में घुटते रहती। अब बेचारे मियाँ जी जो थे, इनका सैंडविच बन रहा था मम्मी और पत्नी के बीच में। घर का माहौल जो है वो बहुत प्रभावित हो गया था, बड़ा नेगेटिव सा हो गया था। लिली अपनी चाचा जी के पास जाती और कहती है कि चाचा जी, बहुत हुआ, मैंने बहुत कोशिश की कि घर का एटमॉस्फेयर अच्छा रहे, घर का वातावरण जो है ये प्रसन्नता पूर्वक रहे, सब खुश रहें, लेकिन मेरी सास हर बार मुझ में कुछ ना कुछ दोष निकालती हैं, नाखुश रहती हैं मेरी सेवा से। बस मैं अब इन्हें मार डालना चाहती हूँ। आपकी ये जो हर्ब्स की दुकान है, जो जड़ी बूटी की दुकान है, ऐसा कुछ पॉइजन मुझे दे दिए कि जो मैं इनके खाने में मिलाऊं और ये मर जाएं। चाचा जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा कुछ पॉइजन देता हूँ, लेकिन मेरा एक सजेशन है। अगर तुरंत तुमने इन्हें मार डाला तो सभी जानते हैं कि तुम दोनों की नोकझोंक चल रही है। ऐसा करो, मैं जो पॉइजन देता हूँ वो स्लो पॉइजन है, हर रोज़ इनके खाने में ऊपर से डाल देना, किसी को शक भी नहीं होगा और कुछ दिनों में ये चली जाएंगी। पर एक बात ज़रूर याद रखना, अब ऐसे भी तुमने इन्हें मारना ही है, तो अब जितने भी बचे कुछ दिन हैं, बड़े प्यार से इनसे बिहेव करो, पेशेंस के साथ में पेश आओ। जितना प्यार से इनके साथ में बिहेव करोगी उतना अच्छा, और किसी को तुम पे शक भी नहीं होगा। लिली कहती है हाँ, ये सब ठीक है। पॉइजन लेके चली जाती है और हमेशा की तरह अच्छा अच्छा खाना बना के अपनी सास को देती है, और ऊपर से ये जड़ी बूटी वाला जो पॉइजन है ये ऐड करते रहती है। पर साथ ही ये बहुत ही पेशेंस और प्यार के साथ अपनी सास से बिहेव करती है। कुछ दिनों बाद सास में भी परिवर्तन आ जाता है और दोनों बड़ी प्यार से एक दूसरे के साथ में बिहेव करती रहती हैं। 6 महीने बीत जाते हैं। अब सास मम्मी की जैसे बिहेव कर रही थी और लिली बेटी की जैसे। लिली और सास की ये जो अनबन थी ये अब रुक चुकी थी। लिली वापस अपने चाचा जी के पास जाती है, कहती है देखिए, हमारे घर का एटमॉस्फेयर तो बहुत अच्छा हो गया, मैं चाहती हूँ कि मेरी सास अब जिंदा रहें। आपने जो पॉइजन दिया था वो उनके शरीर में जाके जम गया होगा, कुछ दीजिए ना ताकि वो ना मरे। चाचा जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं बेटा, मैंने तुम्हें कोई पॉइजन नहीं दिया था, मैंने तुम्हारी सासू माँ के लिए विटामिन दिया था, वो विटामिन जो उनकी सेहत को सुधारे, जो उनके मूड स्विंग्स चल रहे थे उसे लेके वो अब काफ़ी चेंज हो गई होगी, उनकी तबीयत भी ठीक हो रही है, तो डेफिनेटली इस पॉजिटिविटी के साथ वो तुमसे प्यार से पेश भी आ रही होगी। और तुमने तो कमाल कर दिया, कितना प्यार से, कितने पेशेंटली अपनी सास को डील किया। घबराओ नहीं, तुम अपनी सास को नहीं मार रही हो। पता है पॉइजन कहाँ होता है? पॉइजन होता है हमारे यहाँ दिमाग में। लिली मुस्कुराती है और हंसते हुए घर चली जाती है। छोटी स्टोरी, लेकिन इसका मॉरल कितना प्यारा है। सच कहा ना, पॉइजन हम सबके दिमाग में होता है, हमारे थॉट्स में होता है, हमारी इनसिक्योरिटी में होता है। कोई भी रिश्ता बहुत प्योर, बहुत प्यारा बन सकता है अगर हमारी इनसिक्योरिटीज़ उस रिश्ते में ना आए। और जब भी कोई नया रिश्ता हमारी ज़िंदगी में आता है तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि उस रिश्ते को, उस इंडिविजुअल को उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट दें, ना कि उससे इनसिक्योर हो। तो कैसी लगी आज की स्टोरी? पसंद आती तो आप लाइक करेंगे और शेयर ज़रूर करिएगा। आरजी अश्विनी इज़ माई पेज, एंड मिलने वाली हूँ मंडे विद अ लवली पोएम फॉर यू ऑल।